नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ धीरेंद्र अवस्थी और शुरुआत करते हैं अब खबरों की। चुनाव से पहले सीएम योगी फिर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह से सीएम योगी जिलों का दौरा करने वाले हैं। के चुनावी संग्राम को जीतने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को परखने के लिए जल्द ही सीएम योगी जिलों के दौरे पर जाने वाले हैं। सीएम योगी अगले हफ्ते से प्रदेश के जिलों का दौरा शुरू करेंगे। सीएम ग्राउंड जीरो पर जाकर विकास कार्यों की हकीकत जानेंगे। इस दौरान सीएम परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को विकास योजनाओं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों को भी कानून व्यवस्था की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले जमीनी हकीकत को परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले हफ्ते से उत्तर प्रदेश का तूफानी दौरा करेंगे। वो सभी जिलों में जाएंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और जन कल्याणकारी नीतियां कितनी लोगों तक पहुंची है, अधिकारियों ने कितनी ईमानदारी से और मेहनत से काम किया है उसकी भी समीक्षा करेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और इसके साथ ही जिलों में कानून व्यवस्था को लेकर भी डीएम, कमिश्नर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश देंगे। सीएम योगी के प्रस्तावित दौरों को लेकर बीजेपी उत्साहित है। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए लगातार उनका काम है, जनता की समस्याएं हैं, उनका निदान है, तो इस तरह से वो उनका जो अहर्निश परिश्रम रहा वो अपने आप में ऐतिहासिक रहा। सीएम योगी के दौरों को लेकर विपक्ष ने हमला बोला है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि 4.5 साल बाद सीएम जनता के बीच जा रहे हैं, अब बहुत देर हो चुकी है। काबर से जब कृषि सुखाने, ये वाली कहावत बिल्कुल माननीय योगी आदित्यनाथ के ऊपर फिट बैठ रही है। नौकरशाहों ने पूरी तरह से मुख्यमंत्री महोदय की बातों को माना नहीं, इनके दिशा निर्देशों को माना नहीं और अब जब चुनाव के 4 महीने बचे हैं तो मुख्यमंत्री महोदय उनको निर्देश देने जा रहे हैं और समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। ये वाकई में बहुत ही हास्यास्पद। वही कांग्रेस का कहना है कि अब जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, इन दौरों से कुछ नहीं होने वाला है। वो जाएं, जनता ने अपना मन बना लिया है, परिवर्तन सुनिश्चित कर लिया है और 2022 के जब चुनाव आएंगे तो मुख्यमंत्री जी को वो परिणाम भी पता चल जाएगा कि जनता कितने आक्रोश में है। सीएम योगी जिलों के दौरे के दौरान जहां विकास कार्यों की हकीकत को परखेंगे, वहीं जनता को विकास की सौगात भी देंगे। मुख्यमंत्री पूरी यूपी को मथेंगे अब चुनाव तक। मकसद यही है कि मुख्यमंत्री के दौरे ज़्यादा ज़्यादा प्रदेश के अलग अलग शहरों में हों, अलग अलग जिलों में हों और सरकार जो जन कल्याणकारी नीतियां चला रही हैं उसका लाभ जो है आम आदमी तक पहुंचे और जब ये लाभ आम आदमी तक पहुंचेगा तो इसका लाभ बीजेपी को चुनाव में भी होगा। वीडियो से बगराहा के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूर्वांचल के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आज संत कबीर नगर, गोरखपुर और कुशीनगर का दौरा करेंगे। सीएम योगी सुबह 11 बजे संत कबीर नगर में नवनिर्मित जिला कारागार का लोकार्पण करेंगे और इसके साथ ही सीएम कई अन्य योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे और यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। संत कबीर नगर के बाद सीएम दोपहर 1:25 पर कुशीनगर की रामकोला कप्तानगंज तहसील पहुंचेंगे। कुशीनगर में भी सीएम योगी की कई योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। वहीं दोपहर 3:30 सीएम योगी कुशीनगर के सिवरही में किसान इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद सीएम योगी कुशीनगर से गोरखपुर के लिए 5:00 रवाना होंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों का दौरा करने वाले हैं। सबसे पहले संत कबीर नगर पहुंचेंगे, वहां पर उनके कई कार्यक्रम है, उसके बाद कुशीनगर और फिर आखिर में गोरखपुर के दौरे पर पहुंचेंगे। कई योजनाओं की आज शुरुआत करने वाले हैं तीनों जिलों में। संत कबीर नगर में सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे, वहां पर कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उसके बाद कुशीनगर के दौरे पर पहुंचेंगे और कुशीनगर से फिर उनका गोरखपुर का दौरा है और चुनाव से पहले सीएम योगी फिर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं।
बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह से सीएम योगी जिलों का दौरा करने वाले हैं और जिलों के दौरे के दौरान सीएम योगी जहां जनता को विकास की योजनाओं की सौगात देंगे, वहीं विकास कार्यों की हकीकत को भी जानेंगे। बढ़ते आगे, चित्रकूट में आज बीजेपी किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। आज की इस बैठक में शुरुआत बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करेंगे और इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राधामोहन सिंह शामिल होंगे। इसके अलावा संगठन मंत्री सुनील बंसल भी बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बैठक चित्रकूट के राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय में होगी। बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दों पर मंथन होगा, साथ ही किसान आंदोलन को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। तो चित्रकूट में आज बीजेपी की किसानों को लेकर कार्य समिति की बैठक है। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ में उनकी बातचीत होगी और इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ में कई संगठन के और नेता मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी किसान मोर्चा की कार्य समिति की आज बैठक हो रही है, किसानों की रणनीति को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। चित्रकूट में यह बैठक होगी।